Takeoff. Home point updated. सो हेलो गाइज, माई नेम इज़ कौशिक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैप्चर स्टोरी। सो गाइज, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो है मैंने एक ड्रोन परचेस किया है जिसका नाम है DJI Mini 3 Pro। तो ड्रोन परचेस करने के बाद जो है मैंने इंस्टा पर 2-3 रील्स अपलोड की थी, तो बहुत से लोग का मुझे पर्सनल DM आ रहा था कि आपका ड्रोन जो है इतनी हाइट पर कैसे फ्लाई कर रहा है। तो जिसको नहीं पता तो उसको मैं बता दूं कि DJI Mini 3 Pro में जो है हाइट की जो लिमिट है वो 120 मीटर है, तो उसे जो है मैंने अनलॉक किया है 500 मीटर पर। तो वो मैंने कैसे अनलॉक किया है ना, तो उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए आपको जो है कोई PC में कनेक्ट नहीं करना है, या तो आपको थर्ड पार्टी ऐप वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, आपको जो है आपका जो DJI का ऐप है उसी से होने वाला है। तो एकदम सिंपल ट्रिक है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ध्यान से देखना। सो गाइज, और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि DJI Mini 3 Pro में जो है आपको RC रिमोट देखने को मिलता है, जिसमें आपको बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलेगी 5.5 इंच की, लेकिन उसमें जो है 700 nits की जो ब्राइटनेस है, तो उस वजह से जो है मैंने उसको थोड़ा अवॉइड किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे RC N2 वर्सेस RC, तो मुझे ये वाला ज़्यादा बेहतर लगा था, तो मैंने जो है इस वाले को परचेज़ किया है उसके साथ में। सो गाइज, सबसे पहले तो जो है आपको अपने ड्रोन को ऑन कर लेना है, और यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, और फिर आपको यहाँ पर सेफ्टी में आप जैसे नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैक्स एल्टीट्यूड 120 मीटर। तो ये जो है यहाँ पर लॉक है, आप इसे बढ़ा या घटा नहीं सकते हो, आप देख सकते हो। और मैक्स डिस्टेंस जो है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो, और इस एल्टीट्यूड को भी जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए अभी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दिखाता हूँ, जिससे आप 120 मीटर से जो है 500 मीटर पर इसे अनलॉक कर पाओगे। सो गाइज, आपको क्या करना है पता है, आपको ये वाली डिस्प्ले को जो है ऑन रखना है, मतलब ये इस वाले सेक्शन को जो है आपको ऑन रखना है, और आपको अपना ड्रोन जो है ना आपको ऑफ कर देना है। तो मैं अपने ड्रोन को जो है ऑफ कर देता हूँ। तो अभी जो है मैंने ड्रोन को ऑफ कर दिया है, अभी भी ये ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है, और इसको जो है आपको फिर से ऑन करना है। मैं इसे फिर से ऑन कर देता हूँ एक बार। तो अभी ऑन होने के बाद है ना, ये वाला ऑप्शन है ना थोड़े टाइम के लिए खुलता है। अभी जैसे ही अगर ये वाला ऑप्शन जो है ना थोड़े टाइम के लिए खुलेगा ना, तो उस समय जो है ना हम इसे बढ़ाकर 500 मीटर कर देंगे। देखते हैं, अभी इसको बैक करके वापस से एक बार 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। ये देखो, अभी इस वाले ऑप्शन को जो है आप बढ़ा या घटा सकते हो। ये देखो, अभी वापस से आपको डिस्प्ले पर जाना है, वापस से 3 डॉट पर क्लिक करो, और आप देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन है ना 500 मीटर पर लॉक हो चुका है। तो आपका ड्रोन जो है ना परफेक्टली 500 मीटर पर अभी लॉक हो चुका है। अभी आप कितने भी बार इसे ऑन या ऑफ करोगे ना, तो आपको जो है 120 मीटर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, आपको 500 ही देखने को मिलेगा। सो गाइज, अभी मैं आपको फ्लाई करके भी दिखा देता हूँ कि 120 मीटर के ऊपर भी ये फ्लाई कर सकता है। चलिए, सो गाइज, चलिए अभी इसे फ्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम इसे टेक ऑफ कर लेते हैं। टेक ऑफ, होम पॉइंट अपडेटेड। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हाइट दिखाई दे रहा है 32 मीटर और डिस्टेंस है 0.2 मीटर। तो चलिए अभी इसे हम 120 मीटर के ऊपर लेके जाते हैं। तो ये हो गया 84 मीटर, 89, 95, और ये 100 मीटर भी क्रॉस कर लिया है। सो गाइज, आप देख सकते हो 120 मीटर के ऊपर हो चुका है, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फ्लाइट एल्टीट्यूड एक्सीड 120 मीटर। तो यहाँ पर जो है अभी हम इसे और भी ऊपर लेकर जा सकते हैं। सो गाइज, ऊपर से जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है, आप देख सकते हो।
और ये तो अभी सिर्फ 200 मीटर हुआ है और लिमिट तो जो है मैंने 500 पर रखी है। सो गाइज अभी जो है हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड का नोटिफिकेशन आया था, तो अभी जो है मैं ड्रोन को थोड़ा बहुत नीचे कर लेता हूँ। सो गाइस देखा आपने कितनी आसानी से जो है हमने इसे अनलॉक कर लिया है, और इसी ट्रिक का यूज़ करके आप अपने DJI मिनी 1, मिनी 2 और मिनी 2 SE को भी इस तरह से अनलॉक कर सकते हो। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प हो रही है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।